एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाते, बहुत सारा धन कमाते है ना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? इस पंछी को देख रहे हैं, ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता है, पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती। और उसका लाभ ये मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दें जितनी आवश्यक हैं। मोह को त्यागे, आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। अपनी संतान को कर्म करना सिखाई, यदि आपकी संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगी, और यदि वो आलसी अकर्मण्य बन बैठी तो आपके संचित धन का भी नाश कर देगी। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से ममश्री। क्या कर रहे हो ये? स्मरण कीजिए कि मैंने क्या कहा था। विराट पर प्रस्थान से पूर्व मैंने क्या कहा था ममश्री? क्या करो? अपने मामा पर कर लो। और जो आपने मेरे पुत्र के साथ में किया वो क्या था? मैंने कहा था कि ममश्री मेरी पुत्री है, वो उसे अपने षड्यंत्र में सम्मिलित मत करना। स्मरण है, कहा था कि दुर्योधन की पुत्री है वो आपके चौसर का मेरु नहीं। स्मरण है यार। छल किया आपने मेरे साथ, अब स्वीकार कीजिए। स्वीकार करिए सत्य को कि आप कभी लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से कराना ही नहीं चाहते थे। स्वीकार कीजिए कि आप लक्ष्मणा को यहां लाए ही थे ताकि आप उसका विवाह राम के साथ कराने की योजना बना सके। जो कुछ हुआ परंतु क्यों? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कृष्ण से कितनी घृणा करता हूं। फिर भी आपने मेरी पुत्री का विवाह उस रणछोड़ के पुत्र से करवाने की योजना बनाई। तुम्हारे भलाई के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए, तुम्हारी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए किया मैंने। बस मुझे बहुत ठेस पहुंची है दुर्योधन, जिस भांजे के लिए मैंने अपना
मैंने अपना राजपाट, अपनी प्रजा सबका त्याग करके यहां हस्तिनापुर में बैठ गया। इसे इतना अपना माना मैंने कि अपने संतान को भी भूल गया। वही आज मेरे प्राण लेने निकला है दुर्योधन। मैंने ये सब इसलिए किया कि होने वाले महायुद्ध में तुम्हें कोई हानि ना हो। लक्ष्मण का विवाह करा, शाम से विवाह करा, क्या मैं बिना युद्ध के पांडवों से जीत जाऊंगा? नहीं, परंतु पांडवों की विजय के मार्ग में बाधा अवश्य आएगी। कब समझोगे तुम? यदि मैं ये ना करता तो कोई और करता, और लक्ष्मणा शाम की ही होकर रहती, क्योंकि शाम को उससे प्रेम है। यदि इस एक विवाह के कारण हमारे बच्चे लक्ष्मणा के जीवन में आनंद और तुम्हारे चरणों में विजय, तो क्या बुराई है? यदि मेरे भांजे और नातिन का भविष्य इस एक विवाह के कारण सुरक्षित है तो क्यों नहीं? देखा ना तुमने, वासुदेव यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो उन पांडवों का भी नहीं। अब हमें बलराम समेत किसी भी यादव योद्धा का भय नहीं, और ना द्वारका की नारायणी सेना का। दुर्योधन, अब इस युद्ध में हस्तिनापुर की विजय निश्चित है तो केवल इस विवाह के कारण। देखो कान्हा, आगे किस प्रकार बदलता है। कुछ ही समय पहले हम द्यूत खेल रहे थे, और कुछ ही समय पश्चात हमारे भतीजे का विवाह हम देख रहे हैं। अरे, इन सब में तो हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा द्यूत अभी भी अपूर्ण है। माना कि मैं विजय के निकट हूं, परंतु प्रयास करोगे तो तुम अभी भी जीत सकते हो। क्षमा चाहता हूं दाऊ, परंतु ये दाव भी मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? चूंकि महायुद्ध की भांति हमारी दाव की स्थिति भी विकट है, और विकट स्थिति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका आदेश आपने ही मुझे दिया है ना दाव? क्या करूं मैं, जब एक पुत्री विदा होती है तो उसके पिता के आंखों में अश्रु होते हैं, परंतु मेरी इन आंखों में अश्रु है क्योंकि मुझे मेरे शत्रु के समक्ष झुकना पड़ा।
कितना बड़ा मूल्य चुका रहा हूं मैं इस विजय का मामा श्री। कितना संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्योधन जो बिना मूल्य चुकाए मिल जाए। जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, भोजन का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी बात है, पराजय और विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है दुर्योधन। और अब ये जो युद्ध होने वाला है ये केवल केवल युद्ध नहीं है, महायज्ञ है। ये महायज्ञ, इसमें बड़ी बड़ी आहुतियां देनी पड़ेंगी दुर्योधन। हम पांडवों से उनकी पराजय का मूल्य वसूलेंगे, अवश्य वसूलेंगे। कान्हा, तो तुम मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोका है? नहीं दाऊ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं लगा रहे हो, तभी तुम हमारे अधूरे खेल को इस युद्ध से जोड़कर देख रहे हो। नहीं दाऊ, मैं तो ऐसे ही एक खेल के परिणाम के विषय में बात कर रहा हूं जो आज से 13 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में हुआ था। मैं तुम्हारे शब्दों का अर्थ भली भांति जानता हूं कान्हा। तो क्या अर्थ है मेरे शब्दों का? यही कि तुम कुरु वंश के बीच होने वाले इस महायुद्ध में भाग लेना चाहते हो। परंतु ये मत भूलो कान, ये एक ही वंश के संतानों के बीच का युद्ध है। मानता हूं कि तुम्हें पांडव प्रिय है और द्रौपदी तुम्हारी सखी है, परंतु केवल इसी कारण से युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है। दुर्योधन भी हमारा संबंधी है। विचार करो कान्हा, युद्ध में दोनों ओर से अपनों का ही रक्त बहना निश्चित है। तो क्या हमारे युद्ध में तटस्थ होने से क्या हमारे अपनों का रक्तपात नहीं होगा? क्या हमारे अपनों का रक्तपात रुक जाएगा दाऊ? परंतु हमारे हाथ हमारे ही अपनों के रक्त से नहीं रंगेंगे और हम अधर्म से बच जाएंगे। हाँ दाऊ, हमारे युद्ध में तटस्थ रहने से हम इस रक्तपात से अवश्य बच जाएंगे, परंतु क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना धर्म की मांग है? क्या नदी की धारा में किसी को डूबते देखना धर्म है दाऊ, या उसे बचाने का प्रयास करना? यदि धारा को बदलना है तो वस्त्र के भीगने का भय त्यागना पड़ता है। यदि नया कुंभ बनाना है तो माटी को हाथ लगाना ही होगा। आप तो योद्धा होता, क्या व्यू से बाहर रहकर व्यू को भेदा जा सकता है? यदि अधर्म का नाश करना है तो धर्म का पक्ष लेना ही होगा, क्योंकि धर्म युद्ध अपना धर्म ना निभाना भी अधर्म ही होगा। ना था हमने पहले भी अपने संबंधी के रक्त से अपने हाथों को रंगा है ताकि निर्दोष जनों रक्त के अश्रु ना बहाने पड़े। मामा कंस स्मरण है ना दाऊ? जो भी होगा ना, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर भी नहीं रहा हूं दाऊ। आपके निर्णय का पालन कर आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है, जिसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगा दाऊ।
सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव, सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव, सदा सौभाग्यवती भव। पुत्री लक्ष्मणा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पिता ने कन्या की स्वतंत्रता का मान रखा। मुझे भी प्रसन्नता है दुर्योधन कि तुमने राजनीतिक शत्रुता से ऊपर आकर अपने पुत्री के हृदय की सुनी, उसके मन का मान रखा। संसार में हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों के आज्ञा का आदर करें, और बड़ों का धर्म है कि वो छोटों के निर्णय का मान रखें। और मैं भी आज यही करने जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना कान्हा। मैंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। तुम्हारी ओर से मुझे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। होने वाले इस महासमर में तटस्थ रहने के मेरे अपने कारण। इस युद्ध में भाग लेने के तुम्हारे अपने कारण हो सकते हैं। मैं तुमसे तुम्हारा कारण या तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए वचन से मुक्त करता हूं। और युद्ध में तुम्हें किस पक्ष में जाना है उसका निर्णय तुम स्वयं ले सकते हो। धन्यवाद था। मैं जानता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वासुदेव, हम दोनों ही आपके संबंधी हैं। आप किसके पक्ष में रहेंगे? ना, मेरे कहने का तात्पर्य यह है वासुदेव, कि अपनों का रक्त बहाना क्या अधर्म नहीं होगा? धर्म का समर्थन ना करना मेरे विचारों के अनुसार अधर्म है गांधार राज। जो सक्षम हो आवश्यकता पड़ने पर उसे धर्म युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए, और मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। तो युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव, हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा।